नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में आज हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने मैसूर राज्य के उदय के बारे में देखा था और मैसूर राज्य में हैदर अली और टीपू सुल्तान के उदय के बारे में देखा था। तो अगर आप इससे पिछला वीडियो मैसूर राज्य का उदय नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा था कि कैसे मैसूर राज्य का उदय हुआ था और हैदर अली और टीपू सुल्तान का कैसे उदय हुआ था, और इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध लड़े थे उसी को हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के चार आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए, उसी चारों का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने दोस्तों एक टेबल फॉर्मेट में युद्ध का डिस्क्रिप्शन लिखा है। फर्स्ट फॉर्मेट में युद्ध और उसके वर्ष के बारे में लिखा है, दूसरे कॉलम में युद्ध के घटनाक्रम और कारण के बारे में लिखा है, और तीसरे कॉलम में युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसको देखा है, वो कौन से वर्ष में हुई थी उसको लिखा है, और संधि के कुछ प्रमुख बिंदु या उसके तथ्य क्या थे उसको लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। हेडिंग डालिए आंग्ल मैसूर युद्ध। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए थे वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। अब इसके कारण और इसके कुछ घटनाक्रम क्या थे चलिए दोस्तों उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि बंगाल विजय के बाद अंग्रेज अपने साम्राज्य का और विस्तार करना शुरू किया। अब क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का पलासी और बक्सर के बाद जो विजय हुई थी उससे उसका जो उत्साह था वो अपने चरम पे पहुंचा हुआ था, और इसी क्रम को वो जारी रखने के लिए दक्षिण भारत में वो अभियान करना चाहते थे, और मैसूर उसमें से पहला स्थान था जहां पे उसने आक्रमण करने के बारे में सोचने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेज ने हैदराबाद के निजाम से उत्तरी सरकार को हैदर अली से रक्षा करने के लिए 1766 में एक संधि कर ली। तो उत्तरी सरकार जो था जो कि हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत आते थे वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और हैदर अली उस पर अधिकार करना चाह रहे थे। तो निजाम जो थे हैदराबाद के वो हैदर अली से बचाने के लिए अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। तो ये संधि 1766 ईस्वी में किया। तो यही हमने लिखा कि अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम से उत्तरी सरकार तक को हैदर अली से रक्षा के लिए 1766 में संधि कर ली कि हम हैदर अली से उत्तरी सरकार तक की रक्षा करेंगे। जब 1766 में हैदर अली मराठों का आक्रमण का सामना कर रहा था, और 1766 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों कि मराठा जो थे वो हैदर अली पे आक्रमण कर दिया था और हैदर अली उस मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त था, उसी समय में क्या किया अंग्रेज ने एक कूटनीतिक चाल चली और क्या किया कि उसी समय में अंग्रेज ने निजाम को मैसूर पर आक्रमण करने के लिए उकसा दिया। अब ये उकसा दिया तो हैदर अली को ये बहुत बुरा लगा कि हम यहाँ पे मराठों के साथ युद्ध में व्यस्त हैं और अंग्रेज हमारे खिलाफ एक साजिश रच रही है। तो उसने अंग्रेजों को ही सबक सिखाने के लिए एक प्लान तैयार करने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो यही नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हैदर अली ने कुछ पैसा और छत्र देकर के मराठों और निजाम से संधि कर ली तथा अंग्रेज के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जब हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ एक संधि कर ली, उसको कुछ छत्र दे दिया अपना, कुछ पैसा दे दिया, तो मराठा और निजाम को अपने में मिला करके अंग्रेज पे वो आक्रमण करने के लिए तैयार हुए, और जो कर्नाटक अंग्रेजों के मित्र राज्य था उसपे वो उसकी राजधानी आरकट थी, आरकट पे उसने आक्रमण कर दिया। लेकिन 1767 सितंबर 1767 में हैदर अली और निजाम को संगम एवं तिरुमलई के स्थानों पे पराजित कर दिया कौन अंग्रेज। तो अंग्रेज ने दोनों के संयुक्त सेना को हैदर अली और निजाम के सेना को, और क्योंकि मराठों को हैदर अली ने न्यूट्रल रहने के लिए कहा था तो मात्र हैदर अली और निजाम दोनों ने मिलकर कर्नाटक पे आक्रमण किया था। लेकिन 1767 को सितंबर 1767 को दो युद्ध लड़े गए संगम और तिरुमलई के क्षेत्र में जिसमें हैदर अली और निजाम की सेना को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। और जब पराजित कर दिया तो क्या हुआ दोस्तों कि एक बार फिर से निजाम जो है अपना पक्ष बदल के अंग्रेजों से संधि कर ली। तो यही हमने लिखा कि एक बार फिर निजाम ने 1768 में अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, परंतु हैदर अली इस धोखे का जवाब देते हुए मंगलोर में बंबई से आई थी एक प्रशिक्षित सेना अंग्रेजों की, तो मंगलोर में प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया और 1769 तक अंग्रेजों को मद्रास से बाहर कर दिया। मतलब ये हुआ कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली
का पलड़ा भारी रहा, उसका विजय हुआ और अंग्रेज अपने अस्तित्व बचाने के लिए हैदर अली के सामने उसको झुकना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा युद्ध के घटनाक्रम। और जब अंग्रेज ने देखा कि हमारा अस्तित्व खतरे में आ रहा है तो फिर उसने संधि की। तो संधि क्या थी? तो संधि मद्रास की संधि के जरिए युद्ध को खत्म किया गया। तो मद्रास की संधि कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और उसको उसको शांति बनाने के लिए, उस युद्ध को खत्म करने के लिए मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 को किया गया था। और युद्ध कब से कब लगाया गया था? 1767 से 1769 के बीच में। तो जब युद्ध समाप्त हुआ 1769 में, तो फिर 1769 में ही मद्रास की संधि की गई। संधि किसके शर्तों पे हुई? तो हैदर अली के शर्तों पे, क्योंकि हैदर अली का पलड़ा भारी था, युद्ध में उसके विजय हो रहे थे, तो संधि अंग्रेजों को हैदर अली के शर्तों पे करना पड़ा। उसमें क्या था कि हैदर अली की जितने शर्त के अलावा युद्ध का जो है जितनी भी हर्जाना था वो अंग्रेजों को भुगतान करना पड़ा। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या था कि एक दूसरे को क्षेत्र को वापस कर दिया गया, जो एक दूसरे का क्षेत्र जीत लिया गया था उसको वापस कर दिया गया और संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करने का प्रावधान रखा गया, सहमति व्यक्त की गई कि अगर मैसूर संकट में आता है तो अंग्रेज मैसूर की रक्षा करेंगे और अगर अंग्रेज संकट में आते हैं तो मैसूर अंग्रेजों की सहायता करेंगे। ये संधि के साथ, मद्रास की संधि के साथ युद्ध का समापन हो गया। लेकिन ये एक तरह से विराम संधि थी, क्योंकि अंग्रेज का जो लोलुपता था सम्राट विस्तार का, वो रुका नहीं था और वो बढ़ता जा रहा था, और इसी के कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के बीच में लड़ा गया। और इसमें क्या हुआ था कि इसका जो अगर हम युद्ध के घटनाक्रम और कारण की बात करें, तो 1771 में मराठों ने जब मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन कर मैसूर को सहायता नहीं दिया। अब चूंकि मद्रास की संधि में था कि अगर जैसे मैसूर पर कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेजों को सहायता करनी थी, लेकिन 1771 में मराठों ने क्या किया, मैसूर पर एक बार फिर से आक्रमण कर दिया और अंग्रेज को जब सहायता करने के लिए बोला गया तो अंग्रेज ने उसे मना कर दिया और मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि बंबई प्रेसिडेंसी में मराठा और निजाम के साथ अंग्रेजों का युद्ध चल रहा था। अब बंबई प्रेसिडेंसी में एक युद्ध और बन रहा था जिसमें मराठा और निजाम दोनों मिलकर अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे, तो हैदर अली ने भी विश्वासघात अंग्रेजों के साथ किया, क्योंकि अंग्रेज ने मैसूर को सहायता नहीं दिया था, तो यहाँ पे हैदर अली ने भी अंग्रेजों के साथ एक विश्वासघात किया और मराठों और निजाम के साथ, जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे मराठा और निजाम, उसके साथ एक त्रिभुट संधि बना ली और त्रिभुट संधि के बना करके अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि 1773 में अंग्रेज ने माहे पर आक्रमण कर फ्रांसीसी बस्ती व बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब देखा कि हैदर अली युद्ध में शामिल हो गया मराठा और अंग्रेजों मराठा और निजाम के साथ, तो अंग्रेज ने क्या किया कि माहे जो कि हैदर अली के अंतर्गत में था और उसमें वो फ्रांसीसियों को शरण दे रखा था हैदर अली ने, तो वहां पे जो माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती थी और उनके बंदरगाह था उस पे अंग्रेज ने आक्रमण करके उस पे अपना कब्जा जमा लिया, जो कि हैदर अली के संप्रभुता पे एक खुला चैलेंज हैदर अली को लगा कि ये हमें तो ये खुला चैलेंज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 17 जुलाई 1780 में हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। तो क्या हुआ कि जब 1773 में उन्होंने कब्जा कर लिया, उसी को रिकाउंटर करते हुए जुलाई 1780 में 7 सालों के बाद अंग्रेज हैदर अली ने अंग्रेजों पे कर्नाटक के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर क्या हुआ कि हैदर अली ने अक्टूबर 1780 में कर्नाटक में अंग्रेज जनरल बाली को पराजित कर दिया। कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज जनरल जो बाली थे उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया। फिर जब अब यहाँ भी जब अंग्रेज को लगा कि हम हार रहे हैं, तो अंग्रेज का जो एक गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, वो एक कूटनीतिक चाल चला, वो सोचा कि हैदर अली चूंकि मराठा और निजाम के साथ जो संयुक्त संधि है उसके कारण हमसे जीत रहा है, तो वो सोचा कि क्यों ना हम निजाम और मराठा को हैदर अली से अलग कर दे। ठीक है दोस्तों, तो यही वारेन हेस्टिंग जो उस समय के अंग्रेजी गवर्नर थे, एक कूटनीतिक चाल चली और क्या किया, वारेन हेस्टिंग ने गुंटूर देकर निजाम को हैदर से अलग कर दिया और सिंधिया भोसले जो मराठा था उसको भी उससे भी संधि करके हैदर अली से उसको अलग करके अपने में मिला लिया।
ये थोड़ा सा छोटा सा लिखा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान से आप नोट करते चलिएगा। तो वारन हेस्टिंग ने गुंडूर का क्षेत्र निजाम को देकर के हैदर अली से अलग कर दिया। अब चूंकि निजाम क्या था, मौका परस्त था, जिधर उसको मिलता था पैसा और छत उसके साथ ही वो संधि कर लेता था, वो इसीलिए इस कमजोरी को देखते हुए अंग्रेज ने निजाम को एक अपना मोहरा सा बना लिया। फिर 1762 ईस्वी में अंग्रेज जनरल आयरफुट ने पोर्टानोवा के युद्ध में, उसके बाद पोलिलूर के युद्ध में और स्वलिंगलूर के युद्ध में, ये तीन युद्धों में हैदर अली को बार बार पराजित किया और हैदर अली पराजित होते गए। लेकिन हैदर अली भी हार नहीं मानी और युद्ध लड़ते लड़ते 1782 में एक युद्ध में हैदर अली ने आयरकूट जो अंग्रेज जनरल थे जो कि कुशल नेतृत्व करता थे उसको भी एक बार पराजित कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कभी फलड़ा अंग्रेज का भारी रहा, कभी हैदर अली का पलड़ा भारी ला। लेकिन इसी बीच में युद्ध घटनाक्रम में क्या हुआ कि 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली को कैंसर बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के कारण ये युद्ध थोड़ा सा शिथिल हो गया। लेकिन हैदर अली के जो पुत्र थे टीपू सुल्तान, वो युद्ध का कमान जो है वो संभाल लिया। लेकिन अंग्रेज और मैसूर दोनों युद्ध करते करते परेशान हो गए थे और दोनों ने सोचा कि क्यों ना शांति की जाए, शांति का प्रस्ताव एक दूसरे के पास रखा गया। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर दोस्तों कब से कब लड़ा गया था, 1780 से 1784 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर को शांति के लिए कौन सा संधि हुआ, तो संधि में आइए देखते हैं कि संधि जो हुआ था वो था मैंगलोर की संधि। कौन सा संधि हुआ था, मैंगलोर की संधि। तो मैंगलोर की संधि कितने ईस्वी में हुई थी, मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था, मद्रास का, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी। इस संधि के तहत दोनों पक्ष अंग्रेज और मैसूर एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। तो तृतीय युद्ध की बात करें तो तृतीय युद्ध 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। कितने में लड़ा गया दोस्तों, 1790 से लेकर के 1792 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। अब युद्ध के घटनाक्रम क्या क्या रहे, तो चूंकि टीपू सुल्तान ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फ्रांस से समर्थन लेने लग गया। अब चूंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को लगने लगा कि वो अंग्रेजों के इस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी शक्ति थोड़ी सी अंग्रेजों के मुकाबले कमजोर है, तो वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए फ्रांस से समर्थन लेने लगा, जो कि अंग्रेजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर क्या हुआ, जिससे अंग्रेज दुखी होकर के 1788 में निजाम को टीपू पे आक्रमण करने के लिए पत्र लिख दिया। अब चूंकि निजाम जो थे वो मौका प्रस्त थे, जिधर उसको फायदा होता था उधर ही वो मिल जाते थे, तो जब 1788 ईस्वी में अंग्रेज ने निजाम को पत्र लिखा कि जाइए और टीपू पे आप आक्रमण कीजिए, क्योंकि टीपू अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और टीपू की शक्ति अगर बढ़ जाती है तो वो आप पे भी एक दिन हमला कर सकता है, इसीलिए अभी उसको कमजोर कीजिए। 1789 में टीपू ने अंग्रेज मित्र राज त्रावणकोर पे आक्रमण कर दिया। जब ये बात टीपू को पता चला कि अंग्रेज जो है निजाम को हमारे विरुद्ध भड़का रहे हैं, तो टीपू ने क्या किया, जो अंग्रेज के मित्र राज त्रावणकोर थे उस पे 1789 में आक्रमण कर दिया और उस पे कब्जा जमा लिया। जब कब्जा जमा लिया तो टीपू के इस आक्रमण का आधार बना करके अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से संधि कर ली। ये कहने लगा कि देखो टीपू अपनी मनमानी करने लग रहा है और त्रावणकोर पे अधिकार कर लिया, ये गलत है, हम सबको मिलके एक साथ टीपू का विरोध करना चाहिए। और वो इसी मुद्दे को, इसी त्रावणकोर के विजय जो टीपू ने जिस पे कब्जा कर लिया था उसी को मुद्दा बना करके एक निजाम और मराठा के साथ संधि कर ली और तथा तृतीय युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों ने कर दिया। अब दोस्तों देखिए, तृतीय युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो तीन चरणों में लड़ा गया। तो क्या तीन चरण क्या कैसे कैसे रहे इसको देखते हैं। तो फर्स्ट चरण में जो था अंग्रेज सेनापति जनरल मीडो था, जनरल मीडो ने टीपू पे आक्रमण किया, लेकिन उस समय टीपू की मजबूत सामरिक शक्ति के कारण जनरल मीडो को युद्ध में उतनी सफलता नहीं मिली। ठीक है दोस्तों, यही हमने लिखा कि अंग्रेज सेनापति मीडो ने टीपू पर आक्रमण किया पर टीपू की मजबूत सामरिक शक्ति के कारण उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। ठीक है, दूसरे चरण जो हुआ था वो दिसंबर 1790 में शुरू हुआ। उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्वकर्ता कौन आ गए थे, कर्नवालिस, जो कि बहुत ही अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता थे। तो कर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने टीपू पे आक्रमण कर दिया और 1791 आते तक
आते आते वेल्लूर और अम्बूर पे उसने अधिकार कर लिया। कर्नवालिस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना वेल्लूर और अम्बूर पे अधिकार कर लिया और श्रीरंगपट्टनम जो कि मैसूर की राजधानी थी वहां तक वे पहुंच गए। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में मौसम वर्षा ऋतु की आ गई, तो वर्षा ऋतु के आ जाने से जो कर्नवालिस थे वो अपना अभियान जारी नहीं रख सका और मैंगलोर की तरफ वो वापस हो गया। ठीक है दोस्तों, जो श्रीरंगपट्टनम में जा पहुंचा था वहां से वो अपनी सेना को मैंगलोर की तरफ वापस कर लिया। लेकिन टीपू क्या किया कि 1791 में फिर से रिटेलिएट किया और कोयम्बटूर पर अपना अधिकार जमा लिया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कर्नवालिस के सहायता में बहुत बहुत अच्छे अच्छे सैनिक अधिकारी, अंग्रेज के सैनिक अधिकारी पहुंच गए। वो कौन कौन थे, तो जब 1791 में टीपू ने कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया तो इस चरण में कर्नवालिस की सहायता में जनरल मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज अधिकारी आ गए और उसके सामने टीपू सुल्तान की शक्ति बहुत ही छीन हो गई, कम पड़ गई और टीपू सुल्तान को आत्मसमर्पण करा। मतलब टीपू सुल्तान की हार हो गई और उसको आत्मसमर्पण अंग्रेजी सेना के सामने करना पड़ा दोस्तों। अब जब आत्मसमर्पण करना पड़ा तो फिर एक संधि हुई युद्ध के बाद, तो युद्ध के बाद तृतीय युद्ध के बाद जो संधि हुई वो संधि का नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सा संधि दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर के पश्चात मैंगलोर की संधि हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर के पश्चात कौन सी संधि हुई है दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि मार्च 1792 में हुई। अब इस संधि के कुछ प्रमुख बातें क्या थे, तो चूंकि ये संधि अंग्रेजों के शर्त पे हुई क्योंकि टीपू सुल्तान उसमें हार गए थे, तो अंग्रेज ने इसमें टीपू सुल्तान को बहुत अपमानित किया और इस अपमानजनक संधि में टीपू का अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। उसके अलावे मालाबार का क्षेत्र, डिंडीगुल का क्षेत्र भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान को देने पड़ गए। इसके अलावा युद्ध के हर्जाने के रूप में जो 3 करोड़ रुपए थे वो भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज को दिए। तो यही हमने लिखा कि टीपू को युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 करोड़ का भुगतान करना पड़ा और टीपू को अपने 2 बेटे को अंग्रेजों के पास बंधक रखना पड़ा। अब इतने जो अपमानजनक संधि हुई तो उसको टीपू सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर पाए और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हो गए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 में शुरू हुआ और मई 1799 में ही खत्म हो गया। बस मार्च से मई तक ही चला। तो चूंकि अब टीपू के इतने सारे हर्जाने देने पड़े थे, उसके 2 बेटे अंग्रेजों ने बंधक रख लिए थे, 3000 रुपए जुर्माना, 3 करोड़ रुपए जुर्माना देने पड़े थे और राज के इतने सारे क्षेत्र अंग्रेजों ने उनसे ले लिए थे, तो श्रीरंगपट्टनम की अपमानजनक संधि के पश्चात किसी भी भारतीय राजा से उसको सहयोग नहीं मिला। अब ये अगर हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण में देखें तो ये एक कारण हो सकता है कि जब ये इतना अपमानजनक संधि टीपू सुल्तान को हुआ तो टीपू सुल्तान ये सोच रहा था कि कोई भारतीय राज उसकी सहायता करेंगे, लेकिन इस समय में उसको किसी भारतीय राज से सहयोग नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो सहयोग नहीं मिलने पर टीपू सुल्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए कोशिश करना चालू कर दिए। तो यही हमने लिखा कि भारतीय राज्यों से सहयोग नहीं मिलने पर टीपू ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए फ्रांस से संपर्क किया। फ्रांस में जो नेपोलियन था, नेपोलियन से भी पत्राचार किया। तो ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछते भी हैं दोस्तों कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस से किससे पत्राचार किया, तो नेपोलियन से जो थे टीपू सुल्तान पत्राचार किया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अरब के राजा कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और मॉरिसस से भी पत्राचार किया कि आइए हमको सहयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा जो 1798 में अंग्रेज के गवर्नर वेलेजली बनकर आए और वेलेजली ने एक सहायक संधि की योजना चलाई थी। उसमें क्या था कि जो राज्य भारतीय राज्य थे वो अंग्रेजी सेना को अपने पास रखते थे और अंग्रेजी सेना यह क्या करे, अपनी अंग्रेजी सेना उसके राज्य में रखते थे कि उसके राज्यों का जो भी कोई आक्रमण होगा, उस राज्य पे कोई भी आक्रमण होगा तो अंग्रेजी जो सेना था उसका रक्षा करेगा और उसके लिए अंग्रेजी सेना का जितना खर्चा था वो राज्य के कोष से दिया जाता था और राज्य को अपनी सेना रखने की अनुमति नहीं थी। तो ये सहायक संधि जो थी वेलेजली ने चलाया था, लेकिन टीपू सुल्तान ने ये संधि मानने से इनकार कर दिया। तो ये भी एक कारण था कि 1798 में आई गवर्नर वेलेजली द्वारा चलाई गई सहायक संधि को टीपू सुल्तान ने मानने से इनकार कर दिया, जो कि वेलेजली को बहुत बुरा लगा।
इस बार क्या हुआ कि जो मराठा और निजाम के साथ एक बार फिर से अंग्रेजों ने संधि कर ली, और इस बार संधि मराठा और निजाम ने इस शर्त पे की अंग्रेजों से कि अगर युद्ध में जितने भी प्राप्त धन होंगे वो धन तीनों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। इस संधि पे अंग्रेजों ने मराठा और निजाम के साथ संधि कर ली, संधि हो गया। उसके बाद सबने मिलकर के टीपू पे आक्रमण कर दिया और घमासान युद्ध लड़े गए, लेकिन टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन अंग्रेजों की शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाया। घमासान युद्ध के बाद टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम के किले में जाकर के उसको शरण लेना पड़ गया, अपने श्रीरंगपट्टनम के किले में जाकर के उसने शरण ले लिया। लेकिन अंग्रेजी सेना ने 15 दिनों तक श्रीरंगपट्टनम के किले पर घेरा डाले रखा, और घेरा डालने के बाद 4 मई 1799 को उस जब अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम के किले पे आक्रमण कर दिया, तो किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान ने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ते हुए इस युद्ध में मारा गया, और टीपू सुल्तान की कहानी वहीं पे खत्म हो गई दोस्तों। तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। तो इसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर राज्य का अस्तित्व का अंत हो गया। मैसूर राज्य में इस्लामिक जो मैसूर राज्य एक इस्लामिक राज्य था उसका अंग्रेजों ने अंत कर दिया, और टीपू सुल्तान के परिवार सदस्यों को पेंशन याफ्ता बना करके वेल्लोर भेज दिया अंग्रेजों ने। उसके बाद क्या क्या कि युद्ध के जो संपत्ति जितने धन लूटे गए थे वो एक्चुअली जो संधि हुई थी कि मराठा और निजाम अंग्रेज में तीनों बराबर बराबर चक्रों में बांट दिए जाएंगे, लेकिन मराठा ने मना कर दिया लेने से, तो अंग्रेज और निजाम के बीच में वो जो धन थे वो बांट दिए गए, और कुछ क्षेत्र को हिंदू राजा जो थे कृष्णराव हिंदू शासक उसको अंग्रेजों ने दे दिया, और उसके साथ एक सहायक संधि कर ली। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो मैसूर राज्य के समाप्त होने के साथ ही फ्रांसीसियों के प्रभाव का मैसूर पे अंत हो गया। अब फ्रांसीसी का वर्चस्व खत्म हो गया, अंग्रेजी कंपनी ने विलेजली को मर्किज की उपाधि दी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा की भांति आज की वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, कौन सा ब्रिटिश जनरल हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया? ऑप्शन ए कैप्टन पॉपहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गुडहार्ट। आप इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे बैठ के पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पंजाब और सिखों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बाय बाय दोस्तों।